प्रधानमंत्री मोदी ने की जनता से अपील, 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर जरूर फहराए तिरंगा। अहमदाबाद में बजरंग दल ने कांग्रेस कार्यालय का नाम बदलकर हज हाउस किया। ईडी ने सोनिया गांधी से की पूछताछ, दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, 56 सांसद गिरफ्तार। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटों के अंदर 21,880 संक्रमित मिले, 60 लोगों की मौत। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा हुए चोटिल, सीरीज से हो सकता है आउट। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भूजल सप्ताह के समापन समारोह में कहा कि 5 लोगों को जल संरक्षण के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया है, लेकिन ये कार्य 24 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति कर सकता है। आगे सीएम ने कहा कि हर घर नल योजना को प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों, 1,00,000 राजस्व गांवों और 14,000 नगर निकाय के वार्ड तक योजना को पहुंचाएंगे। यह कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने और एक बूंद जल को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए, जिसमें अति क्रिटिकल से विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में परिवर्तित करने में भी हमें मदद मिली। थोड़ा सा प्रयास हुआ तो वह देखते ही देखते उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया। हमें एक एक बूंद जल की कीमत, जो मौजूदा व्यवस्था उसकी भी समझनी पड़ेगी, और जो व्यवस्था समाप्त यानी जो हम नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उसको भी, चाहे वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो या इस संबंध में जो अनेक मॉडल बनाए गए हैं, उन सब को भी हमें इसके साथ, अमृत सरोवर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। पुराने सरोवर और तालाबों को, कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। कानपुर में ठेकेदार को जिंदा जलाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस हत्या के मामले में लापरवाही बरतते हुए इस वारदात को गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस भी आरोपी का साथ देने में लगी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल से पीड़ित थाने से लेकर प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, कल जब घटना हुई तो हम लोग पहुंचे, समाजवादी पार्टी के हर पदाधिकारी वहां पहुंचा और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। आज मैंने ट्वीट भी कराया, अगर आप देखेंगे तो मैंने आदरणीय योगी जी को भी ट्वीट करा और इस घटना की जानकारी के बकौर उन परिवार के ये घटना के लिए साल भर से वो परेशान है। कानपुर पुलिस से लेके योगी जी के ऑफिस तक वो गए, वहाँ से जब यहाँ कानपुर की पुलिस को नोटिस आता है यानी एक सुझाव आता है तो उन्होंने यहाँ से लिख के भेजा कि योगी जी के वहाँ भेजा कि हमने इन दोनों लोगों के बीच में सुलह करा दी, जबकि ऐसा नहीं है। कल वो जब पीड़ित होकर उस परिवार वहाँ गया, पैसे मांगने गया, हाथ पैर जोड़ रहा था कि पैसे मुझे दे दो, तो वो लोग जिनके ऊपर पैसा बाकी था उन्होंने उनको जिंदा जलाया। मेरा मानना है कि अगर ये पुलिस समय पे इस चीज़ को देती तो आज उसकी हत्या जो हुई है, हत्या भी ना होती और उसको पैसा मिलता। तो दोनों लोग, पुलिस की लापरवाही और जिसने मदर करा, उन दोनों के ऊपर, एक तो जिसने मदर करा उसके ऊपर हत्या का मुकदमा और जो पुलिस की लापरवाही थी उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लगे, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे पुलिसकर्मी जो योगी जी की भी बात नहीं सुनते उनके लिए कड़ी कार्रवाई हो और न्याय मिल सके उत्तर प्रदेश की जनता को। जनपद अमेठी में 4 अगस्त को होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ मतदान स्थल का निरीक्षण किया गया है। इसी दौरान एसएसपी ने लोगों से आचार संहिता का अनुपालन करने की अपील की है और सभी लोगों से भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने की भी अपील की है।
चुनाव ग्राम सभा का होने वाला है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, ये ग्राम भ्रमण किया गया है और स्कूल देखा गया है जहाँ पर वोट होना है, तो ये देखा जा रहा। अभी नामांकन कार्रवाई चल रही है और हमारी तैयारी जो चुनाव की होती है वो की जा रही है। आचार संहिता लगी हुई है, कब चुनाव होगा और क्या यहाँ के जो ग्राम सभा है उनके निवासियों क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए, कल अभी नामांकन का लास्ट दिन है, नाम वापसी होगी कल, तो नाम वापसी के बाद ही ये फाइनल होगा कि कौन कौन कैंडिडेट लड़ेंगे। और इसको देखते हुए पूरे गांव में सबको बता दिया गया है कि इसमें जो आचार संहिता होती है उसका अनुपालन करें, कोई इससे हट के काम नहीं करेगा और अपना निष्पक्ष और तनाव रहित होकर सुरक्षा युक्त वातावरण में सभी लोग अपना। फरीदाबाद की पहचान और शान कहे जाने वाली बड़खल झील जो कभी गुलजार हुआ करती थी, जहां देश और विदेश से पर्यटक इस झील के सौंदर्य का लुप्त उठाने आया करते थे, लेकिन झील का पानी सूख जाने के चलते यह झील लगभग पिछले दो दशकों से वीरान पड़ी है, जिससे यहां के स्थानीय लोगों का रोजगार भी छिन गया है। लेकिन मनोहर सरकार में बड़खल विधानसभा से विधायकी के प्रयासों के चलते करोड़ रुपए की लागत से अब यह झील फिर से गुलजार होने लगा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। फिल्म वगैरह की शूटिंग वगैरह होती थी और क्या नाम है, और यहाँ पे काफी हरियाली थी और यहाँ के पानी भरे होने से टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आते थे और गांव के लिए रोजगार था। इसको बड़खल लेक बोलते हैं, बड़खल लेक है, पूरी दुनिया में इसका नाम था, सरनाम झील थी। हाँ, तो कहा करते हैं लोग कि फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, काफी हरी भरी हरियाली थी। इसका ये तो बहुत पुराना इतिहास है, इस पे हीरो आते थे, शूटिंग हुई है, कितनी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी उस टाइम। ये फूल फुलवाड़ी पानी दुकानें थी उस टाइम, चमन था इसका। अब ये जब से झील सूखी है, इसको जब से ये रौनक खत्म हो गई, अब देखो इसका दोबारा से काम हो रहा है। अगर इसके भरने से हमको यहाँ बहुत फायदा है, हमारा जल स्तर है जो ऊपर आएगा, जो पानी से हम परेशान हैं, मेन फायदे तो हमारे लिए यही रहेंगे कि भाई हमारा पानी जो है, पानी की दिक्कत खत्म हो जाएंगी हमारी। गोंडा के एटिया थोक विकास खंड के गांव रानीपुर में बनी गौशाला में गोवंशीय पशुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सूखे भूसे और दूषित पानी पर निर्भर जानवर एक एक कर दम तोड़ते जा रहे हैं। गौशाला की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से कोसों दूर है। मुख्य विकास अधिकारी ने गौ आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया और खामियां भी मिली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदायूं के विकास खंड समसे में गांव खगाई में सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण 2019 में किया गया था, जो कि कुछ दिन बाद खराब हो गया और ग्रामीण ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है। वहीं इस मामले में अधिकारी अभियंता ने बताया कि मशीन खराब हो गई है, उसको रिपेयर कराया जा रहा है। जी, आपके गांव में जो सरकारी ट्यूबवेल है जी, ये कितने टाइम से खराब पड़ा हुआ है और इसकी मुख्य वजह क्या है, किस वजह से ये बंद है? ये बोरिंग खराब हो गया है, इसमें बताए अब तो ये बता रहे हैं सभी लोग कि इसमें बजरी जा चुकी है, उस वजह से ये बोरिंग खराब हो चुका है और इसकी वजह से हमारी ज़मीन में धान की रोपाई वगैरह सब बाधित है और ये नहीं लग पा रहा है कोई भी, सब फसल मतलब ये ज़मीन जो है सब। जी, आपके गाँव में सरकारी ट्यूबवेल बना हुआ है, ये कितने टाइम से खराब है? ये सर 12 जनवरी 2021 से खराब पड़ा है। कितना टाइम हो गया इसके लिए खराब पड़ा हुआ? आप अंदाजा लगा लीजिए कितना टाइम हो गया। कई बार कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई, कई बार अधिकारियों से कहा, जेई से कहा, एसडीओ साहब से कहा, एक्सीएम साहब से कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर हमने मजबूर होके जो है सीएम हेल्पलाइन 1076 जो नंबर, मिजोरम में सावन मास की कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं पर एडीजी बरेली जोन मोटा महादेव मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां पर मौजूद
महात्माओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही एडीजी ने शासन द्वारा जारी गाइडलाइन की भी जानकारी दी। जनपद बिजनौर में नजीबाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर के समीक्षा की जा रही है। जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको रिव्यू करेंगे हम लोग। पुलिस की तरफ से हम लोग ने प्रभावी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं वो समय समय पर लागू करेंगे, जिससे कि जो कांवड़िए हमारे और शिवभक्त हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको सहूलियत हो और उनका सुरक्षा, उनका दोनों का हम ध्यान रख रहे हैं। और मेरा सभी से यही अपील है कि आप लोग अपने निर्धारित लेन है उसी में चलें सब लोग। बीते कुछ सालों से प्याज की खपत बढ़ गई है, जिसके चलते इसका दाम भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि खरीफ के मौसम में भी लोगों को निशुल्क बीज देकर खरीफ के पौधे तैयार कराए जाएंगे, जिससे सर्दियों में जब प्याज की खपत ज्यादा होगी तो फसल बनकर तैयार हो जाएगा। वही कृषि विशेषज्ञों द्वारा भी किसानों को अच्छी और बेहतरीन फसल उगाने के उपाय बताए जाते हैं। प्याज की फसल कैसे लाभदायक होती है, कितने दिनों में रोपण लायक हो जाती है, कब तक फसल बनकर तैयार हो जाती है? देखिए, प्याज की खेती उत्तर प्रदेश में विभिन्न समस्त जिलों में रबी के सीजन में ये ज़्यादातर किसान लगाते हैं। और जब हमारा प्याज ख़त्म हो जाता है तो एक बार इसके रेट ज़रूर बढ़ते हैं, हर साल लगभग ये ट्रेंड रहता है। तो प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष से ये डिसीजन लिया है कि जो रबी में होती थी वो उसके लिए तो विस्तार खबर फरीदाबाद से है, जहां पर जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड पिस्टल शूटिंग पैरा स्पोर्ट में शूटर सिंहराज अधाना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया है। सिंहराज अधाना का घर पहुंचने पर परिवार के लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। शूटर सिंहराज अधाना की टीम 10 मीटर में गोल्ड मेडल, 25 मीटर में गोल्ड मेडल, 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 50 मीटर शूटिंग में उन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता है और 25 मीटर शूटिंग में सिल्वर जीता है। कुल 4 गोल्ड 1 सिल्वर जीतकर उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम और जर्मनी की धरती पर भारत का नाम रोशन किया है। बहुत खुश हूं, आज जर्मनी से हमारा यूनिक में वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स गेम, और उसमें आज इंडिया फर्स्ट रैंक पर आया ऑल वर्ल्ड में। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं भी काफ़ी बेहतरीन अपना प्रदर्शन कर पाया अब तक का। मैं टोक्यो के बाद मैं जो सेकंड टूर्नामेंट खेला हूँ फ्रांस वर्ल्ड कप के बाद, यूनिक में जर्मनी में जो अभी हाल ही में हुआ, 12 तारीख को हम जर्मनी गए थे, आज मैं घर वापसी हुई है मेरी मेडल्स के साथ। रोशन लिख करो, बहुत अच्छा लग रहा हो, मैं तो इतनी खुश हूँ बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे बेटा ने नाम कर दिया देश में, तो आगे की क्या, आगे भी खेलेंगे। सरकार से क्या कहें, सरकार ने भी इनको खूब साथ दियो। भैयान को, परिवार को, सबको साथ है, इस पर सब जुट के लग रहे हैं सब एकदम। तो खुशी, खुशी बहुत बहुत हुई है। बहराइच के गिरिराजपुरी बैराज में एक बाघ पानी में तैरता दिखाई दिया। तेज बहाव होने के कारण बाघ किधर बह गया पता ही नहीं चल सका। डीएफओ के साथ अन्य वन कर्मी ड्रोन कैमरे के द्वारा बाघ की तलाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।